हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत और हार्दिक स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल समाधान स्टडी चैनल में। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, हम किसी भी वैकेंसी की अपडेट तुरंत लेके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे 10th हो, 12th हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, हर तरह की वैकेंसी आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन लेके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ साथियों, आपके लाइक आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अधिक वर्क करते हैं और एक एक जॉब आपके लिए खोज के लाते हैं। तो प्यारे साथियों, अपना प्यार बनाए रखिए हम पर। चलिए, आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम हाजिर है आपके लिए। जैसा कि आपको हमने बताया है कि एक एक वैकेंसी खोज के आपके लिए लाया जाता है। तो आज की आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश, फ्रेंड्स आपके सामने बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी निकल के आई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने आपके लिए वैकेंसी निकाला है। शानदार वैकेंसी और सैकड़ों वैकेंसी है फ्रेंड्स। अभी जानेंगे हम कितनी वैकेंसी आपके लिए इन्होंने निकाला है। ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जो कि 2019 की वैकेंसी अभी इन्होंने निकाला है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। चलिए, किन किन पदों पर आपके लिए वैकेंसी निकाला गया है यह भी जान लेते हैं। ये रहे आपके सामने पद। ओके फ्रेंड्स, ये पद का नाम रहा, पद कोड है। ओके, क्या चलेगा विधा यानी कौन सी ब्रांच, कुल रिक्तियां कितनी हैं, सभी दिया है जानेंगे। सहायक, पहली वैकेंसी है सहायक अभियंता प्रशिक्षु E&M के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन मांगा है फ्रेंड्स, यहाँ पे यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, तो इतने लोगों के लिए निकाला है और वैकेंसी भी आपके लिए डिवाइड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी क्या है आपके सामने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सबके बारे में जानेंगे, सभी एक एक करके डिटेल जानेंगे। आपके सामने यहाँ पे निकाला है फिर सहायक अभियंता जनपद के लिए, सहायक अभियंता जनपद के लिए निकाला है और लेखा अधिकारी प्रशिक्षु के लिए निकाला है। इनके लिए पद है 5 और 6 है, तो ध्यान रखिए। और फिर निकाला है पद आपके स्टाफ नर्स, किस पे स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है और टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके नेक्स्ट वैकेंसी क्या निकाला है यह भी ध्यान दीजिए। 10वें नंबर पे फीटर इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय में क्या क्या है, फीटर मांगा है, इलेक्ट्रीशियन मांगा है और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे ITI वालों के लिए बहुत बढ़िया और शानदार अपॉर्चुनिटी है। फीटर वालों के लिए 78 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 139 और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 46 वैकेंसी। तो बहुत बढ़िया और शानदार वैकेंसी है, सभी साथी इसे अप्लाई कर कीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। यहाँ पे आपकी वेतन क्या रहने वाली फ्रेंड्स, यह भी जान लेंगे। वेतन भी शानदार रहने वाली है और ज़बरदस्त रहने वाली है। देखिए, यहाँ पे सहायक अभियंता प्रशिक्षु की जो वेतन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी फ्रेंड्स 56,000 से 1,77,500, यानी बहुत बढ़िया और शानदार है और सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। सहायक अभियंता प्रशिक्षु जनपद की कितने वाली रहने वाली, इनकी भी टोटल सेम रहने वाली है। लेखा अधिकारी की भी उतनी ही है। यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी की है फ्रेंड्स 36,000 से स्टार्ट होगी और 1,00,000 के ऊपर जाएगी। स्टाफ नर्स की भी 36,000 से 1,00,000 के ऊपर जाने वाली है। फार्मासिस्ट की 29,000 से शुरू होगी और 94,000 तक जाएगी। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय की क्या रहने वाली है सैलरी, वाओ वेरी नाइस सैलरी, अच्छी खासी सैलरी यहाँ बनने वाली है। ओके फ्रेंड्स, फीटर इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर ITI किया है आपने तो बहुत बढ़िया शानदार, 27,200 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी और 86,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है फ्रेंड्स। तो शानदार वैकेंसी है और यहाँ पे भत्ते भी आपको नियम के अनुसार मिलेंगे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के। तो तैयार हो जाइए आप लोग, और बिल्कुल शानदार वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी डिसाइड कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल ब्रांचेस में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, जो आपकी
आपकी जो पद कोड है 1, 2, 3, 4 तक के, इनके लिए फ्रेंड्स ओके। यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, इसे अप्लाई कीजिए और बिल्कुल जॉब को अचीव कीजिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक एक जॉब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सभी आपके लिए लाया जाएगा। तो चलिए, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है तो आपको बिल्कुल बताएंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आवेदन शुल्क इम्पोर्टेंट देख लेते फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उत्तर प्रदेश मूल निवासी को 700 रुपये लगने वाली है और अन्य श्रेणी को 1000 रुपये लगेगी। तो यह है आपकी आवेदन शुल्क, आपको ध्यान में रखना है ओके। चलिए तो फ्रेंड्स, यह था नोटिफिकेशन जो कि बहुत ही बढ़िया और शानदार है। यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली वह है CBT परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा आपका और इंटरव्यू भी होगा। तो साथियों, इस प्रकार की वैकेंसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपके सामने। बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी है, इसे अप्लाई करना ना भूलिए। थैंक यू, पुनः स्वागत है आपका समाधान स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।